नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आनंद विजय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया के ताकतवर देशों के G7 शिखर सम्मेलन में भारत का परचम लहराया है। G7 के मंच पर पीएम मोदी ने अपनी लीडरशिप से दुनिया को कायल बना दिया है। दुनिया में छिड़ी जंग से लेकर AI और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को लेकर उलझी दुनिया को एक नई दिशा देने और इस पर सहमति बनाने की उनकी नीति की तमाम ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों ने सराहना की। G7 के आउटरीच सेशन से इतर पीएम मोदी के साथ अलग अलग देशों के लीडरों ने मुलाकात की और इसमें इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी शामिल रहे। सेशन के आखिर में मेंबर कंट्रीज के लीडरों के ग्रुप फोटो में पीएम मोदी को विशेष जगह दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का दृष्टिकोण पेश करके पीएम मोदी ने ग्लोबल लीडरशिप के तौर पर अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह पहली विदेश यात्रा रही और इसमें उन्होंने सशक्त भारत की तस्वीर पेश करते हुए विकसित भारत के संकल्प को दोहराकर यह साबित कर दिया कि पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ रही साख और ग्लोबल लीडरशिप में पीएम नरेंद्र मोदी की बन रही एक अलग पहचान पर पेश है हमारी आज की यह खास पेशकश, अंतर्राष्ट्रीय मंच, पीएम मोदी अहम। मजबूत अर्थव्यवस्था आधा, भारत ले रहा नया आकार, दुनिया में मोदी की जयकार। G7 भारत का दिखा दम। पीएम मोदी की दुनिया मुरी। ग्लोबल लीडरशिप में अव्वल। अंतर्राष्ट्रीय मंच भारत में दम। इटली के अपुलिया में आयोजित G7 सम्मेलन में शामिल राष्ट्राध्यक्षों का ध्यान अपनी ओर खींचने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल रहे। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की चुनौतियों पर आयोजित इस सम्मेलन में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए और उन्होंने उसका समाधान निकालने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और उस पर अलग अलग देशों के बीच सहमति बनाने का मूल मंत्र दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ऊर्जा से जुड़े मुद्दों के आसान समाधान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दृष्टिकोण पेश किया और उसकी तमाम देशों ने सराहना की। ग्लोबल मंच पर पीएम मोदी के विजन को स्वीकार किया जा रहा है और यही उनकी लोकप्रियता का आधार भी है। यही वजह है कि G7 में शामिल देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उनके साथ संवाद कायम करने और उनके साथ मेलजोल बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने तो बाकायदा एक बार फिर से उनके साथ सेल्फी क्लिक करके उसे शेयर भी किया। यह पीएम मोदी की ग्लोबल लीडरशिप के तौर पर बढ़ रही लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत है। इटली में मोदी की जयकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की दुनिया कायल है। इटली के अपुलिया में आयोजित G7 में शामिल राष्ट्राध्यक्षों के बीच पीएम मोदी प्राइम फेस बने और उन्होंने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया कि लीडरशिप के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी का अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और साथ ही उन्हें इस मंच पर खास अहमियत भी दी गई। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ सेल्फी भी क्लिक की। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली विदेश यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। मेरे मुताबिक मोदी सरकार के आने के बाद
हिंदुस्तान की छवि आसमान को छू गई है। मैं तो 37 पर दूसरे देशों में गया हूँ। हिंदुस्तान की पासपोर्ट की महत्व जो है बहुत बढ़ गया है। पहले हमारी जबरदस्त फ्रिस्किंग होती थी, काफ़ी जगह पे हमको तंग किया जाता था। आज हिंदुस्तान का पासपोर्ट देखते हैं तो लोग सैल्यूट करते हैं। दूसरा, अगर आप देखो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सारी की सारी हिंदुस्तान के दोस्ताना रिश्ते हो गए हैं। जहाँ तक मिडल ईस्ट का तल्लुक है और अरब वर्ल्ड का कंट्री का तल्लुक है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बेनिफैक्टर्स थे, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर वगैरह, आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेनिफैक्टर्स हो गए हैं। बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी कंट्री और जो छोटी कंट्री, सभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हिंदुस्तान को वो कर रही हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तान इस दौरान ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच के जरिए दुनिया को यह संदेश भी दिया कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित, सुलभ और जिम्मेदार बनाने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में 4A का मूल मंत्र दिया और इसमें अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी शामिल है। G7 दुनिया के ताकतवर देशों का संगठन है और इसीलिए इसकी अपनी एक अलग अहमियत है। दुनिया भर में इसका असर है और इस लिहाज से इस मंच पर पीएम मोदी की उपस्थिति के कई मायने हैं। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि पिछले कई बार से पीएम मोदी को इसमें शामिल होने का न्योता मिलता रहा है। दरअसल अलग अलग मुद्दों पर दुनिया बटी है और खास मसले पर ताकतवर राष्ट्रों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, और वो इसलिए भी कि ग्लोबल लीडरशिप के तौर पर किसी की स्वीकार्यता नहीं है। पीएम मोदी लगातार इस खाली जगह को भरते नजर आ रहे हैं और तमाम मसलों पर दुनिया भर के देशों की नजर उन पर टिकी हुई है। पीएम मोदी की कूटनीति की दुनिया कायल है और उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से भारत को सशक्त राष्ट्र बनाया है। यह इसी का नतीजा है कि G7 के सम्मेलन में उन्हें न सिर्फ आमंत्रित किया गया बल्कि उन्हें सदस्य देशों के बीच भी खास जगह दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मंच भारत में दम। अलग अलग मुद्दों पर बटी दुनिया में ग्लोबल लीडर की एक खाई बनी हुई है। दुनिया को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो इस खाली जगह को भर सके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप इस मामले में लगातार अहम होती जा रही है। ये इसी का नतीजा है कि दुनिया के ताकतवर देशों के मंच G7 में बार बार पीएम मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जा रहा है। ये इसके बावजूद कि भारत G7 संगठन का हिस्सा भी नहीं है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब इस मंच पर भारत को खास महत्व दिया गया। 2003 में पहली बार भारत इसमें शामिल हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त फ्रांस में आयोजित इसकी बैठक में देश का प्रतिनिधित्व किया था। अलग अलग ध्रुवों में बटी दुनिया के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के मामले में भारत ने हमेशा अपने आप को निरपेक्ष साबित किया है। आज दुनिया के तमाम मुद्दों पर आम सहमति बनाने में भारत की भूमिका अहम होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त हुई है और ये दुनिया की पांचवी मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। मोदी जी के पिछले जो 10 सालों का शासन रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने विश्व पर राज किया है, जहां हिंदुस्तान अपनी संस्कृति और सनातन धर्म को भूल चुका था, अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ी हुई थी, देश की स्थितियां ये थी कि सारे जो पार्टियां उस पूर्व में जो राज कर रही थी उन्होंने देश को लूटा, खसोटा और सभी अर्थव्यवस्था को पूरी स्थिति उन्होंने खराब करी। 10 साल में जो शासन आदरणीय मोदी जी ने किया है, देश बदला, देश की एक अलग पहचान पूरे विश्व में गई और मोदी जी का जो चेहरा सामने आया तो पूरे विश्व में समझ में आया, पूरे विश्व को समझ में आया कि सबसे ताकतवर व्यक्ति आज की देश आज इस दुनिया में कोई है अगर तो वो नरेंद्र मोदी जी है। ये इसी का नतीजा है कि दुनिया के 9 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले 7 देशों का G7 संगठन में भारत की पूछ पड़ रही है और पीएम मोदी अपनी लीडरशिप में देश की मजबूत छवि को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया मुश्किल के दौर से गुजर रही है। जलवायु परिवर्तन से लेकर रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग को रोकने की चुनौतियां अपनी जगह पर बरकरार हैं, और इसके साथ ही
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और माइग्रेशन जैसे मुद्दे भी गंभीर होते जा रहे हैं, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ चीन की जो कड़वाहट बढ़ी है उससे अलग अलग मुद्दों पर सहमति बनाने की चुनौती भी बढ़ गई है। लिहाजा ताकतवर राष्ट्रों के संगठन G7 के सदस्य देशों में अलग अलग मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई। G7 के सदस्य देशों की बनी आम राय पर दुनिया के बाकी देशों के साथ भी तालमेल बनाने की जरूरत है और इस लिहाज से भी पीएम मोदी की स्वीकार्यता बढ़ी है। भारत की कूटनीति हमेशा से निरपेक्ष रही है और इसीलिए G7 के सदस्य देशों का पीएम मोदी में भरोसा भी बढ़ा है। चुनौतियां और समाधान। G7 संगठन की चुनौतियां बढ़ी है, दुनिया दो दो युद्धों में उलझी है, अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ चीन की कड़वाहट भी बढ़ी हुई है। G7 संगठन दुनिया को सीधे तौर पर प्रभावित करने की क्षमता से लैस है, वो इसीलिए भी इसके सदस्य देश यूनाइटेड नेशंस को डोनेशन देने वाले टॉप देशों की लिस्ट में शामिल है। आत्मनिर्भर भारत की वजह से, मेक इन इंडिया की वजह से हिंदुस्तान की डिफेंस क्षमता बहुत बढ़ गई है, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक शक्ति बहुत बढ़ गई है और ऐसे में हिंदुस्तान विस्तार पे एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रहा है और हमारा प्रधानमंत्री जो है उसकी ओपिनियन को नज़रअंदाज करना आज दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो अमेरिका भी हमको एक स्ट्रेटेजिक अलाई समझता है और साथ ही साथ रशिया भी हिंदुस्तान को स्ट्रेटेजिक अलाई समझता है। लेकिन अब इसका दबदबा कम होता जा रहा है। हालांकि चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, HIV एड्स और मलेरिया जैसी महामारी से निपटने के लिए फंड जुटाने, क्लाइमेट चेंज से निपटने और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों से निपटने में इस संगठन का अहम रोल रहा है, मगर अब दुनिया के अलग अलग देशों में तालमेल गड़बड़ा गया है। पावर पॉइंट पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं रह गया है। दुनिया अलग अलग मुद्दों पर बढ़ गई है और किसी भी मुद्दे पर आम सहमति बनाने की चुनौती बढ़ गई है। पीएम मोदी का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना स्टैंड हमेशा ही क्लियर रहा है। किसी एक गुट का समर्थन करने के बजाय पीएम मोदी ने एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का मूल मंत्र दिया है। भारत के पश्चिमी देशों के साथ इकोनॉमिक संबंध अच्छे हैं, लेकिन भारत दूसरे देशों पर पाबंदियां लगाने की अमेरिका और पश्चिमी देशों की पॉलिसी में कभी शामिल नहीं रहा। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी की पूछ लगातार बढ़ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक विकास का एक मंच बन के उभरा है। भारत आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, हमारी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये तेजी से आगे बढ़ रहा है और जैसा आपने देखा G7 जो होता है एक विकसित देशों का समूह होता है, वो उसमें मोदी जी को इनवाइट करना, वहाँ पे इनको वो करना, एक विकासशील देश के मजबूत नेता के तौर पे जो मोदी जी काम कर रहे हैं उसकी एक अपनी आप एक अलग पहचान है उस चीज की। जलवायु परिवर्तन से लेकर मध्य पूर्व, इसराइल हमास के बीच जंग और रूस यूक्रेन के बीच जंग ने दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। माइग्रेशन, ऊर्जा संकट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी अहम मुद्दा बना हुआ है और इसके समाधान को तलाशने में दुनिया भर के लीडरों की उम्मीदें पीएम मोदी पर टिकी है। आर्थिक तौर पर सशक्त राष्ट्रों का संगठन G7 है। 70 के दशक में दुनिया में मची हलचल को देखते हुए और मुद्दों पर समाधान निकालने के लिए औपचारिक शुरुआत हुई और इसमें अलग अलग देश जुड़ते गए और इसका आकार G4 से G7 बन गया। इसका विस्तार होने और अहम मुद्दों पर निर्णायक भूमिका में पहुंचने से इसकी अहमियत बढ़ती चली गई। दुनिया की GDP का 40% हिस्सेदारी होने के साथ ही इसके सदस्य देशों की दुनिया भर में व्यापारिक हिस्सेदारी 30-35% के करीब है। वर्ल्ड बैंक और IMF में भी इसका अपना दबदबा है और इसीलिए आर्थिक नीतियों के मामले में G7 के देशों की राय की अपनी अहमियत है। चीन और रूस के बीच बढ़ते तनाव की वजह से जहां एक तरफ UNSC का असर कम हुआ है और कई बड़े फैसले अटक गए, उस स्थिति में भी G7 ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। ग्लोबल पॉलिसी फोरम। 70 के दशक में अमेरिका वाटरगेट स्कैंडल तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन गले की फांस बन गया था। वियतनाम वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। मिडिल ईस्ट के देशों में भी सत्ता का रुख बदल रहा था।
इसका असर तेल के आयात पर पड़ने वाला था। दुनिया के एक बड़े हिस्से में मचे इसी उथल पुथल को ध्यान में रखते हुए अमेरिका, यूके, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी के वित्त मंत्री वॉशिंगटन में इकट्ठा हुए। वित्त मंत्रियों के साथ एक इनफॉर्मल मीटिंग से इसकी शुरुआत हुई। इस गुट को G4 या लाइब्रेरी ग्रुप का नाम दिया गया। इस बैठक के कुछ महीने बाद जापान को भी हिस्सेदार बना दिया गया। इस तरह G4 G5 हो गया। 1975 में तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान दुनिया के 6 अमीर देश एक साथ आए। इन देशों ने अपने हितों को साधने के लिए एक संगठन बनाया। इसे ग्रुप ऑफ 6 यानी G6 कहा गया। इसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। 1976 में कनाडा के मिलने से ये संगठन G7 बना। इसमें रूस के शामिल होने के बाद इसके सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई और इसका नाम G8 हो गया। 2014 में क्रीमिया में रूस की दखलंदाजी सदस्य देशों को पसंद नहीं आई और रूस को इससे अलग कर दिया गया। औपचारिक संगठन ना होने के बावजूद इसका दुनिया भर में असर है। ये बात अलग है कि इसके एजेंडे को मानने या ना मानने के लिए किसी भी सदस्य देश की बाध्यता नहीं है, और वो इसीलिए भी कि अलग अलग देशों का अपना कानून और व्यवस्था है। G7 की अध्यक्षता हर साल रोटेट होती रहती है। मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले देश को ही एजेंडा तय करने का अधिकार होता है। तो जहाँ तक G7 है, ये 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज का एक गठबंधन है। इसकी कंबाइंड GDP जो है तकरीबन 60% होती थी, जो भी कम होकर चाइना के आने के बाद में कम होकर 40% रही है। और ब्रिक्स जो है उसके एक्सपेंशन के बाद में G7 की जो है मान्यता थोड़ी कम हो रही है। इसलिए G7 की ज़बरदस्त कोशिश होगी कि हिंदुस्तान को दाखिल किया जाए इसके अंदर, जिससे उसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत बढ़ जाएगी। चाइना काउंटर होगा और वास्तव में ये 45-50% जो दुनिया का GDP है उसको रिप्रेजेंट कर पाएगी। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और ये 11वीं से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पीएम मोदी ने भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का वादा किया है और देश लगातार तरक्की की राह पर अग्रसर है। इसके साथ ही पीएम मोदी की ग्लोबल लीडरशिप के तौर पर भी स्वीकार्यता बढ़ी है और इसीलिए G7 में भारत की अहमियत बढ़ रही है। G7 के देशों की दुनिया की कुल GDP घटी है। पहले जहां ये दुनिया की 60% GDP थी, वो अब घटकर 40% हो गई है। लिहाजा भारत के लिए G7 जितना अहम है, उतना ही अहम भारत के लिए G7 है। यही वजह है कि इस समूह में भारत की भागीदारी को बढ़ाने पर अमल किया जा रहा है। भारत क्यों अहम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में देश को एक अलग पहचान मिली है। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। भारत की GDP ब्रिटेन के बराबर है और फ्रांस, इटली और कनाडा से ज्यादा है। भारत की मजबूत हो रही आर्थिक व्यवस्था ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और यही वजह है कि G7 जैसे संगठन में उसकी साख बढ़ी है। ये जो नया भारत है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, विश्व बंधु विश्व मित्र की भावना के साथ अनेक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है। चाहे वो इंडो पैसिफिक का डेमोक्रेटिक रूल्स ऑर्डर बनाए रखने की बात हो, आतंकवाद की चुनौती हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो या ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के विषय हो, हर जगह भारत अपनी नेतृत्वकारी भूमिका अदा कर रहा है। 1980 के दशक में G7 देशों की GDP दुनिया की कुल GDP की करीब 60% थी। अब ये घटकर करीब 40% रह गई है। GDP में दर्ज हो रही कमी इस संगठन के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है और यही वजह है कि इसके ग्राफ को बढ़ाने में भारत अहम रोल निभा सकता है। यही वजह है कि भारत को बार बार इसकी बैठक में बुलाया जा रहा है। जिस तरह से आर्थिक तौर पर मजबूत देशों के संगठन का दबदबा कम हो रहा है, उसे देखते हुए इसको और सशक्त बनाने की जरूरत आन पड़ी है। भविष्य में भी ये संगठन असरदार बना रहे, इसके लिए भारत की भागीदारी की अहमियत बढ़ गई है। जिस तरह से अमेरिका और चीन रूस के बीच रिश्ते खराब होने की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC अपना प्रभाव खो रही है, मजबूत फैसले नहीं ले पा रही है, उसे देखते हुए G7 को इंटैक्ट रखने और उसे ज्यादा मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। ये बात अलग है कि भारत कई मुद्दों को लेकर G7 देशों से सहमत नहीं है। इसमें क्लाइमेट चेंज, बिजनेस और ट्रेड जैसे मुद्दे शामिल है, मगर इसके बावजूद ये भारत के लिए अहम प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखता है। हालांकि भारत का रोल डिसीजन मेकिंग में नहीं है,
लेकिन भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी ज्यादा भरोसेमंद है और इसीलिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण को काफी महत्व दिया जाता है। भारत की बढ़ती साख और पीएम मोदी की लीडरशिप क्वालिटी का ही नतीजा है कि अमेरिका और रूस दोनों भारत को अपने पाले में रखना चाहते हैं और खुलकर भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। दुनिया भर के नेताओं के साथ भारत के रिश्ते इंडिया फर्स्ट की नीति पर बुने जा रहे हैं। तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और पिछले 10 सालों से स्थिर सरकार शायद यही कारण है कि G7 का मेंबर ना होते हुए भी भारत को निमंत्रण दिया गया। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के बीच भारत को भी मौका मिला अपनी बात रखने के लिए और यही एक जलवा है जिसे कह सकते हैं कि देश से लेकर विदेश तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है कि जहां का सदस्य ना होने के बावजूद भी भारत को वहां का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों के बीच तालमेल बनाने की धुरी बनते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके दृष्टिकोण पर अमल किया जा रहा है और यह महज इत्तेफाक नहीं है कि G7 के डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होने के बावजूद पीएम मोदी के नजरिए पर गौर किया जा रहा है। दरअसल भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति का निरपेक्ष होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। जंग में उलझे रूस और अमेरिका के बीच भारत ने जिस तरह से निरपेक्षता की कूटनीति पर अमल किया है, ये इसी का नतीजा है कि दोनों ही देश भारत को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच, पीएम मोदी अहम। हमारी आज की इस खास पेशकश में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।